हम जवेरिया की जाने बढ़ेंगे जो आज हमें नारियल पानी की अफादियत बताने वाली है, तो जवेरिया से ही जानते हैं। जी जवेरिया, बात करेंगे कोकोनट वाटर यानी नारियल के पानी के बारे में। इससे रिलेटेड जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आपको डेली लाइफ में कितना कंज्यूम करना चाहिए बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली इन पंजाब में इस तरह से उसकी कंजप्शन नहीं, क्योंकि जब लोगों को उसके हेल्थ बेनिफिट्स पता चलते हैं तो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती चलूँ कि स्किन फ्रेशनेस के लिए, स्किन ग्लो के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में नारियल का पानी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक्स आर फाइन, पर यह कि जब आप अपनी इंटरनल न्यूट्रिशन को बेहतर करते हैं तो वो आपके आउटर साइड पर भी नज़र आता है। तकरीबन एक ग्लास डेली नारियल का पानी कंज्यूम करने से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट होता है और इट्स वेरी गुड इन वेरी गुड शुगर्स टू, मतलब तमाम वो लोग जिनको हाइपोग्लासीमिया यानी लो शुगर लेवल हो जाता है, यानी जो ज़्यादातर के मरीज हैं, अगर वो तकरीबन 21 दिन पूरे माह के 21 दिन डेली एक से दो ग्लास नारियल का पानी कंज्यूम करें तो उनकी सेहत में बेहद जो है वो बेहतरी आती है। साथ ही ये बताती चलूँ कि इट्स अ नेचुरल ब्लड थिनर, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट में हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो चुकी है, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो अगर इसको तकरीबन 25 to 75 ml अपनी डाइट में ऐड करें डेली आफ्टरनून में तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्स्टिपेशन के लोगों के लिए बेहतर होता है। उसके अलावा आपकी ये जो खून में आपकी गर्मी होती है, आपकी बॉडी का पीएच लेवल जो है वो अगर न्यूट्रल नहीं होता तो उसको भी नॉर्मलाइज़ करता है, क्योंकि कोकोनट वाटर यानी जो नारियल का पानी है इसका पीएच लेवल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तमाम वो ख़वातीन जो कि हामला और दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में कोकोनट वाटर ऐड करें। इट्स है जो नारियल का पानी है इसमें एक ज़बरदस्त लिमिट की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक टू से दैट जो आपकी एजिंग को स्टॉप डाउन करता है और आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसको भी रोकने में हेल्प आउट करता है। तो नारियल का पानी जहाँ पे आपकी बॉडी को तवानाई देता है, इट्स रिच इन कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स, और पर साथ ही साथ ही आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप रखता है, और साथ ही साथ जो इसका मेन बेनिफिट है वो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी स्टॉप डाउन करता है, और आपकी काफ़ी खुलियात और आपकी जो डिफरेंट बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको भी रोकता है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि तमाम वो लोग जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि हेड लेवल्स पर हैं और उनको हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने होते हैं, और गुड परफॉर्मेंस के लिए, गुड हेल्थ और मेंटल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि वो तकरीबन एक ग्लास कोकोनट वाटर जो नारियल का पानी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ना सिर्फ इसके आपको इससे माइक्रो मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम और उसके अलावा एसेंशियल यू कैन से मिनरल्स मिलेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपकी बॉडी में एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स और एसेंशियल प्रोटीन्स भी जाएंगे जो कि आपकी सेहत के लिए बेहद तौर पर लाजमी हैं। तमाम वो लड़कियां जो टीनेज ग्रुप में हैं या बच्चे जो कि एनीमिक हैं, या बच्चियां एनीमिक हैं और साथ में यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर वो सेब के साथ कोकोनट वाटर यूज़ करें यानी नारियल का पानी यूज़ करें तो भी आपकी बॉडी में बहुत जल्दी खून के खुलियात बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसका चकंदर, पालक, पुदीना और साथ में नारियल का पानी इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको अस्थमेटिक डिज़ीज़, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ है COPD, तमाम वो लोग जिनको सांस के मसाइल हैं उनके लिए हेल्प आउट करता है। तमाम वो बूढ़े लोग जो कि अपनी 70s में हैं और चेस्ट कंजेशन है और सांस सही तरह नहीं ले सकते, या उसके अलावा वो लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, कुछ चलने से उनको सांस चढ़ जाता है, तो उनके लिए भी कोकोनट वाटर का यानी नारियल के पानी का इस्तेमाल बेइंतहा ज़रूरी है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो तकरीबन 11 दिन के लिए नारियल का पानी लें और तकरीबन 3-4 दिन के लिए स्किप कर दें अपनी डाइट में, इसी तरह एक रूटीन बनाएं तो उनका वेट कंट्रोल रहता है, वेट मैनेज रहता है, और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो हेल्थ इशूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाते हैं। जी।